नमस्कार, जय हिंद। आज हमारे विद्यालय में सभी बच्चों का एग्जामिनेशन खत्म हो गया। कल एक छोटा सा एग्जामिनेशन वायवा के रूप में बचा हुआ है, वायवा ग्रुप डिस्कशन। इसके अलावा जूनियर सेक्शन में भी 20 नंबर का एग्जामिनेशन बचा हुआ है। हमारे साथ अभी बहुत सारे हॉस्टल के स्टूडेंट हैं। हम जानने का प्रयास ये करेंगे इन लोगों का एग्जामिनेशन कैसा गया और इनके घर वाले इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारे बच्चे का एग्जामिनेशन कैसा गया। हम लोग के साथ अभी हमारे साथ सभी सीनियर बच्चे, फिर जूनियर बच्चों के पास भी जाएंगे और जूनियर भी बहुत छोटे वाले बच्चे के पास नहीं जाएंगे, वन से ऊपर वाले बच्चे के पास जाएंगे। हमारे साथ अभी हालांकि बच्चे लोग बोलने में बहुत हड़बड़ा रहे हैं, बोल रहे सर क्या बोलेंगे। हालांकि स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी है इसमें अपने बच्चे अपने मन से ही बोलेंगे। हम कुछ उसको लिख कर नहीं दिए हैं, ना उन्हें कुछ बताया कि ऐसे बोलना है। कैसा एग्जाम गया खुद ही इनके जुबानी सुनिए। चलिए मैं कैमरा बैक करता हूँ, बैक करने का ऑप्शन नहीं है। चलिए इसी फ्रंट कैमरा से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ है गोलू कुमार। क्या गोलू कुमार, कैसा एग्जाम गया? वैसे तो एग्जाम बहुत अच्छा गया। पहले दिन का जो एग्जाम था SST और GK, वो तो बेहद ही खास था मेरे लिए, क्योंकि SST मेरा ही फेवरेट, बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। तो SST में तो पहले सर बताए थे कि एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि बताया नहीं थी कि, यानी कि वो आशा था कि वो क्वेश्चन आएगा, तो हम लोगों ने पहले से ही उसको समझा और ठीक से उसे पढ़ लिया। और इसके अलावा मैथ, साइंस, GK, कंप्यूटर, मैथ में थोड़ा सा परेशानी हुई थी, लेकिन उसके बाद का जो सब्जेक्ट था इंग्लिश, उसमें तो अच्छा से एक 1 आवर पहले ही हम लोग बना के बैठ गए थे। उसके बाद फिर 1 आवर हम लोग को खाली ऐसे बैठना पड़ा था। आपने ये बताया था कि मैथ का एग्जामिनेशन जो था उसमें कुछ हम लोग के पास समय कम पड़ गया था। एक्चुअली मुझे ये तो नहीं मालूम कि समय कम पड़ गया था या हम लोग का माइंड तो था वो चल ही नहीं रहा था। ऐसे दोनों रीजन हो सकता है, या तो समय कम पड़ गया होगा तो क्वेश्चन ज्यादा होगा। अच्छा, तो आपके साथ क्या हुआ था? आपका क्वेश्चन मेरे साथ दोनों हुआ था। हम लोग शायद मेरा 4 क्वेश्चन छूट गया था और समय की भी पाबंदी थी, तो वो समय थोड़ा सा कम पड़ गया था। बाकी सारा एग्जाम कैसा गया? बाकी सारा एग्जाम तो ठीक ही गया। और टोटल रिटेन एग्जामिनेशन आप लोग का 80 मार्क्स का हुआ, कितना आने का चांस है? वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ एक्सेप्शनल मैथ को छोड़कर सब में 78 या 76 अप्रोक्सीमेटली। हम लोग चलते हैं अब राजा कुमार, देखिए उसी का ब्रदर है, एक मोटा भाई एक पतला भाई। हाँ बताओ राजा, तुम्हारा कैसा गया? हम लोग का पहला दिन एग्जाम अच्छा गया, और जो पहला दिन SST था, SST में पूरा बनाया, उसमें हो सकता है 75+। और दूसरी समय था जीके में थोड़ा बहुत गलत गया था, उसमें पढ़े थे लेकिन आ नहीं रहा था, उस समय थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। और फिर तीसरे दिन था हिंदी, दूसरे दिन हिंदी था, तो हिंदी में पूरा बना लिए थे, उसमें सिर्फ थोड़ा सा छूट गया था, शब्दार्थ था। और उसके बाद फिर था मैथ कैसा गया? क्योंकि बिहार के बच्चों के साथ हमेशा मैथ की चर्चा होती है कि मैथ कैसा गया, थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलो ताकि सभी लोग सुने। मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, समय ज्यादा हो गया था और थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं बना था, 2-4 क्वेश्चन हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इधर राजू कुमार, ये भी सुपर सिंगर में ही आता है। राजू कुमार बताओ कि एग्जाम कैसा गया आपका? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा गया। सबसे फर्स्ट डे तो SST का एग्जाम था, सब उससे पहले से तैयारी कर रहे थे, इसी कारण वो बहुत अच्छा गया। उसकी सेकेंड सीटिंग GK था, सेकेंड सीटिंग भी बहुत अच्छा गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम खड़ा हुआ। उसके अगले दिन था हम लोग का फर्स्ट सीटिंग हिंदी में, बहुत हम इतना खुश थे उस समय। कितना मार्क्स आने का चांस है उसमें? लगभग 78+ आने का चांस है, यानी कि 80 मार्क्स का जो हुआ है एग्जाम उसमें 78 आने का राजू कुमार के पास चांस है। सबसे सुपर सीनियर है हमारे पास अभी राजू कुमार। फेवरेट सब्जेक्ट अपना बताओ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मैथ में हम इतना बनाया कि लेते लेते मतलब टीचर जो थे वो पेज देते देते मतलब वो हरिया गए, मतलब कोई बात नहीं, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कितना लिखेगा ये। चलो कोई बात नहीं, चलिए इसके बाद हमारे पास इधर निशांत कुमार, क्लास 5 का स्टूडेंट है, इसके बाद क्लास 6 में जाने वाला है। चलिए निशांत कुमार, आपका एग्जाम कैसा गया? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, फर्स्ट दिन SST और GK, जो कि SST में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बुक से आए थे, लेकिन GK में 1-2 क्वेश्चन छूट गए। सेकेंड सिटिंग में था, सेकेंड डे हिंदी और कंप्यूटर, हिंदी में तो 75+ आने का चांस है, और कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए। थर्ड डे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? माय फेवरेट सब्जेक्ट मैथ। मैथ, यस, मैथ
मैथ में सिर्फ एक क्वेश्चन छुड़ा है, उसमें 75 प्लस आने के चांस है। चलो बहुत बढ़िया, इधर आओ। एक राजनारायण इधर है छुपा हुआ, इधर छुपा रुस्तम है, और इधर ये है राजनारायण, वैसा शर्मीला लड़का है, शर्माता है। आपका एग्जाम कैसा गया? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। जैसे पहला, आपके पापा भी इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे पहला SST था, उस दिन मैं सोचा ही नहीं था कि इतना, मतलब सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा। अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। कितना आने का चांस? 75 से ऊपर आने का चांस है। कल 20 नंबर का भाई आप लोग का, उसका तैयारी कैसा चल रहा है? ऐसा तैयारी बढ़िया चल रहा है, हम सब सोच रहे हैं 19 से कम नहीं है। टोटल मार्क्स 90 से प्लस जाए, प्लस जाए। बहुत बढ़िया। कल भाई वाले के लिए आप लोग के विद्यालय में बाहर से लोग आ रहे हैं, नहीं आप लोग आ रहे हैं, और आप लोग को डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है कल भाई वाले में, क्योंकि डिसिप्लिन के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया जाएगा। एक पीयूष कुमार बच गया, इधर आइए पीयूष। आपका एग्जाम कैसा गया? अभी बैठिए, आपके भी पापा इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा एग्जाम बहुत मस्त गया है, फर्स्ट डे SST और GK बहुत मस्त गया है। सेकेंड डे था हिंदी या कंप्यूटर, इसमें भी बहुत मस्त गया था। कोई एग्जामिनेशन खराब ही गया? नो, सब बढ़िया गया, सब सब्जेक्ट बहुत मस्त गया, एक से बढ़कर एक था। नहीं, क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, बहुत अच्छा या फिर क्वेश्चन का लेवल पढ़ाया गया था वो आया था, या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी आया था? जो पढ़ाया गया था उसी से आया था। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ थे हमारे विद्यालय के सभी सीनियर स्टूडेंट, क्लास 5 से ऊपर वाले। हम लोग जूनियर के पास भी चलते हैं, क्लास 1 से ऊपर वाले के पास चलेंगे, क्योंकि नर्सरी LKG वाले बच्चे बता नहीं पाएंगे। हमारे पास इधर देखिए सब सुपर सीनियर और सीनियर स्टूडेंट बैठे हुए, जाते हैं जूनियर स्टूडेंट के पास। सीनियर बच्चों के बाद हम लोग जूनियर बच्चों के पास आए, सब तो काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। सब बोले सर हमको पहले लीजिए, हमको हमसे पहले पूछिए कि कैसा गया एग्जामिनेशन। चलिए बारी बारी से हम लोग पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय की अपनी पाबंदी है, 7-8 मिनट का वीडियो पहले ही हो चुका है। कैसा गया एग्जाम? अंकित कुमार पहले बताएं। बहुत बढ़िया एग्जाम गया। कितना नंबर आने का चांस? 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ है ना, कितना नंबर आने का चांस? 72, मतलब 72 टोटल होल हर एक सब्जेक्ट में। चलिए, ये न्यू स्टूडेंट है फिर भी 72 लाने का दावा कर रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इधर, प्रशांत क्या आ गया जी? प्रशांत इधर आओ, प्रशांत सुमित से भी बात कर लेते हैं। सुमित कैसा एग्जाम निकल गया? बहुत अच्छा गया। जोर से थोड़ा बोलो ना। बहुत अच्छा गया एग्जाम। बहुत अच्छा गया, नंबर आने का चांस। तुम आगे क्यों बोला था? नंबर आने का चांस है कम से कम 72। हमारा भी 72। कहाँ गया प्रशांत, कहाँ गया? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा कैसा गया सुमित, आपका एग्जामिनेशन कैसा गया? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। यस सर। साइंस में कितना नंबर आने का चांस है? 80। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, 80 मार्क्स आ जाए। पीयूष कुमार कैसा गया एग्जामिनेशन? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा ना? यस सर। कितना मार्क्स टोटल आने का चांस है? 80 में 80 के लगभग। हर एक में 80 के लगभग, एक सब्जेक्ट में एक नंबर कर सकते हैं बस। वाह, तुम लोग ब्रिलियंट होते। इधर बहुत सारे बच्चे इधर है। आकाश कुमार कैसा गया एग्जामिनेशन? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा ना? यस सर। ये लोग तो सब सीनियर स्टूडेंट के गिनती में लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी क्लास 4 के स्टूडेंट है। प्रशांत कुमार कहाँ गया? हमारा कोच बहुत देर पहले से चल रहा था। कैसा एग्जामिनेशन गया प्रशांत? हाँ ठीक ही गया कि ठीक गया? ठीक ही गया। ठीक ही गया का मतलब हुआ कि 70 के नीचे, और ठीक गया का मतलब हो गया 70 से ऊपर। कौन वाला है? 70 से ऊपर। कल आप लोग का 20 नंबर का वाइवा आने वाला है? नहीं, बाहर से लोग आने वाले हैं ना। यस सर। तो उसका तैयारी कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ना? यस सर। आप लोग को बोला गया कि सबसे पहले उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना। यस सर। हमारे साथ अभी सब जो है जूनियर स्टूडेंट है, क्लास 1 से ऊपर वाले, 5, 6, 7 वाला का तो मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है। इसमें कुछ बच्चे इसमें न्यू भी हैं, हालांकि उनका भी एग्जामिनेशन हुआ है। उन लोग का भी मानना है कि हमारा एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया सर। इधर हम लोग जब नर्सरी वाले से बात करते हैं, नर्सरी क्लास का बच्चा LKG वाला कहाँ है? इधर है। तुम लोग का एग्जामिनेशन कैसा गया सर? आप लोग का एग्जामिनेशन कैसा गया? अच्छा ना? बहुत अच्छा। आपके मम्मी पापा इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद बताएंगे घर में कि हाँ हमारा बच्चा का एग्जामिनेशन कैसा गया। सब लोग अच्छा गया है ना? Yes, आप लोग का भी 20 मार्क्स का एग्जामिनेशन बचा हुआ। आप लोग का हिंदी रैंक इंग्लिश रैंक का एग्जाम था ना? Yes, sir. ओरल हुआ था। सब बच्चे का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया, सब बच्चे काफी खुश हैं। और इधर गर्ल्स भी है, गर्ल्स से भी हम लोग बात कर लेते हैं। गर्ल्स फिर बोलेगी कि हमें सर छोड़ दिए। हाँ ये देखिए, ये प्यारी 2-3 गर्ल्स है हमारे पास। कैसा गया एग्जामिनेशन?
बहुत अच्छा ना। कितना मार्क्स आने का चांस है? 79। वाह, आपका कितना नंबर लाने का? 99। मतलब टोटल होल में ये बता रहे हैं कि 99 आ जाएगा, 20 मार्क्स ये जूनियर स्टूडेंट है। आपका कितना? बढ़िया गया था एग्जाम? सबसे बढ़िया कौन सा एग्जाम गया आपका? मैथ। चलिए, ये सब बता रही है कि सबका एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया गया, सब लोग को बेस्ट ऑफ लक। कल 20 मार्क्स का येलो का, 20 मार्क्स का येलो का कल वाइवा एग्जामिनेशन है। कुछ बच्चों का ओरल हो सकता है, जूनियर स्टूडेंट का ओरल एग्जामिनेशन हो सकता है। सभी बच्चे का मानना है कि एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया गया है, और उम्मीद करता हूँ कि इन लोग का जो मार्क्स, जो इन लोग का सोचा हुआ मार्क्स है, उतना मार्क्स आए और इन लोग अपने घर का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, साथ में मेरा भी। जय हिंद।